बच्चों को बता दी अच्छी हूँ। तो सुबह मैं उठी थी 9 बजे और आज मेरा फास्ट है, जैसे कि आज करवा चौथ है आप सबको भी पता है और आप सबको भी हैप्पी करवा चौथ है। और अभी मैं नहा ली हूँ, सिर धो लिया है क्योंकि मुझे ना थोड़ी रील्स बनानी थी, मतलब प्रमोशन के लिए पेंडिंग थी वो बनानी थी, इसलिए मैं नहा के पहले सोचा कि मैं प्रमोशन वगैरह कर लेती हूँ, बाद में तैयार होंगी क्योंकि पूजा तो इसमें लेट करनी होती है। मैं सोच रही हूँ कहाँ पर जाकर पूजा करूँगी, तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है, देखूँगी। अभी तो खाना वगैरह बना बनू के काम करके अभी प्रमोशन कर गई हूँ। और मेरी मेहंदी भी देखो मैंने खुद नहीं लगाई है, पैर पर भी लगाई थी, हाथ की अच्छी लगी है, पर एक ही हाथ पर लग पाई क्योंकि अपने आप से तो एक पे ही पॉसिबल हो पाता है, दो पे तो नहीं हो पाता, लेकिन इन्होंने मेरे दूसरे हाथ में मेहंदी लगाई थी। हाँ, सिया ढूंस हो गया है, सिया दिख रही है। तो गाइस अभी मैं सुनूंगी करवा चौथ की कथा और तैयार भी हो चुकी हूँ मैं, और आप कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैंने पहने हैं रेड कलर की साड़ी, और आप बताना कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही है बेटू मम्मा। तो गाइस अभी कथा सुनने के बाद फिर मैं थोड़ा चाय पीऊँगी क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, पानी तो पीते नहीं है, चाय पी लेते हैं एक बार 4 बजे कथा सुन के। तो अभी 4 बज चुके हैं और अभी मैं कथा सुनूँ लेट भी हो गया मुझे, और जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो यहाँ पर कोई है भी नहीं मेरे को सुनाने के लिए, मेरे को खुद ही इसी आपको बिठा के सुननी पड़ेगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में मुझसे। शाम हो चुकी है, 5 बज गए हैं, कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि क्या मेरे को भी खाना बनाना था, और कि साड़ी में मैंने नहीं हो पाता क्योंकि ढूंढे भी छोटा है, उसको बार बार कुछ ना कुछ काम होता रहता है, इसलिए साड़ी में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और वैसे भी मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया अभी तो, जो बनाना है मैं सोच रही हूँ पनीर बनाऊँगी, लेकिन अभी पनीर आया नहीं है इसलिए वेट कर रही हूँ, वो आए तो पनीर लेके आए, मुझे बनाना है। मैं बनाऊँगी पनीर रायता पूरी, और क्या करूँ वो आएंगे तभी बनेगा, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, आ जाएंगे वो ऑफिस गए थे, कितनी देर में आएंगे पता नहीं। और ये दोनों सो गए हैं शाम को 5 बजे, पता नहीं बच्चों का नहीं टाइम पे तुमको समझ मिलता है, तो मैं तो दिखाऊंगी आपको। और मैंने चाय पी थी अभी शाम को, और अब सीधा रात को ही शायद आ गए, रात को मिलते हैं थोड़ी देर में, दिखाऊंगी आए नहीं आए, क्या लेके आए नहीं आए, तो नहीं आपको हमारे नहीं आए कोई शायद बाहर ही था, तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। और कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ये मैं चूड़ा लेके आई थी वो करना है ना। आज अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, अभी पहले प्याज कट करके फ्राई कर लूँगी, बाद में पीसूँगी, पहले टमाटर अब इसमें फ्राई होने के बाद टमाटर डालूँगी, फिर इनको अच्छे से भूनने के बाद ठंडे होने के बाद पीसूँगी, फिर दोबारा छौंकूँगी। अभी मैं इतने ये कट कर लेती हूँ, आपको भी दिखाऊँगी। तो मैं
अभी मैंने बना ली है सब्जी भी और रायता बना लिया है, आटा गूंद के रख दिया है, तो बस पूरी बनानी बाकी है क्योंकि अभी कोई खाने वाला भी नहीं है। पूरी बाद में बनाऊँगी और वो भी बोल रहे थे आ जाऊँगा, आए नहीं सामान, फिर मेरे को लेके आना पड़ा, इस वजह से मैं ला के बना लिया। अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं उठे, अभी तक मेरा सारा काम नहीं उठे, वो नहीं उठे हैं दोनों के दोनों सोए रखे हैं, अभी इनको भी उठाऊँगी फिर आपको रुकी करेंगे। ओके गाइस मिलते हैं। तो गाइस ये तो मेरी बना ली है पूरी और ये रहा पनीर की सब्जी और रायता फ्रीज में रखा है और अभी रसगुल्ले इसके पापा ले आए थे मीठे में और अभी मेरा ये काम तो कंप्लीट हो गया खाना बनाने का, बस अभी रह गया है मुझे तैयार होना है, तो मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट क्योंकि 7:30 बज चुके हैं और जल्दी से तैयार हो जाऊँगी। और सिया ने भी खाना खा लिया, बच्चों को भी खाना खिला दिया है, ले। तो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ दोबारा और मैंने पहना ही लहंगा मेरा, कैसी लग रही हूँ बताना। और अभी मतलब 8:30 का टाइम हो चुका है, पता नहीं निकला है नहीं चांद, क्योंकि मैं अभी ऊपर तो गई नहीं हूँ देखने क्योंकि मुझे अपने वीडियो शूट करनी थी अपनी, मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ 2-4 पहले फिर बाद में जाऊँगी, अभी वो गए हैं कुछ लेने के लिए, आएंगे तो वीडियो शूट करके फिर मैं जाऊँगी ऊपर बर्थ खोलने। कैसी लग रही हूँ मैं, ये मैंने सुबह भी सोची थी कि मैं ये ट्राई करूँ लेकिन सुबह मुझसे ठीक नहीं बैठा इसलिए अब पहना है, भारी बहुत है मुझसे ना, बहुत ज़्यादा भारी है इस वजह से दिक्कत होती है पहनने में। ठीक है गाइस अभी दिखाऊंगी पर्स खोलेंगे तब। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर चांद देखने और वो सामान ले लिया, बस मेरे को जाना है, मैं जा रही हूँ ऊपर। तो गाइस अभी तो हम आ गए हैं ऊपर और अभी ऊपरली वाली छत पे जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे से तो दिख नहीं रहा, इस वजह से कोई क्या हुआ कि कोई ब्लॉग शूट करने वाला नहीं है, मेरी वीडियो शूट करने वाला ही है कोई, शूट नहीं कर पाऊँगी लेकिन बाद में शूट करूँगी। चलो तो।